आप सभी का फिर से स्वागत है जैसा आप जानते हैं कि आईसर भोपाल और राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा इस सीरीज का आज पांचवा लेक्चर है और ये दोनों के जॉइंट एफर्ट्स के साथ ये सीरीज शुरू की गई आज के इंस्ट्रक्टर को मैं अभी इंट्रोड्यूस करूंगा लेकिन इसके पहले कि हम आज के लेक्चर की शुरुआत करें मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी तक राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश और सेंटर फॉर साइंस एंड सोसाइटी आईसर भोपाल के इस ज्वाइंट प्रयास के थ्रू 65,000 से भी ज्यादा छात्र छात्राएं एवं शिक्षक इन लेक्चर्स को अटेंड कर चुके हैं और इनसे फायदा उठा रहे हैं अभी आने वाले टाइम में हम डोमेन स्पेसिफिक लेक्चर्स की भी शुरुआत करेंगे जिसमें एक ही सब्जेक्ट को और ज्यादा डिटेल में Uh, दस या पंद्रह लेक्चर के माध्यम से आपको जानकारी दी जाएगी जिसमें आप एक सब्जेक्ट के लिए और ज्यादा एक्सपर्टीज और और ज्यादा स्पेसिफिक नॉलेज गेन कर सकते हैं लेकिन फिलहाल हम हमारा जो मैंडेट uh, है वो ये है कि हम अलग अलग विषयों पर एक एक लेक्चर्स कंडक्ट कर रहे हैं ताकि स्टूडेंट्स जो हैं उनको थोड़ी सी रुचि उत्पन्न हो इन सभी विषयों में और वो सभी विषयों के बारे में थोड़ा थोड़ा जान पाए और हमारे जो इंस्ट्रक्टर्स हैं जो आयसर भोपाल के फैकल्टी मेंबर्स हैं उनसे जो है ये लेक्चर जो वो डिलीवर करते हैं उनके लेक्चर्स को अटेंड कर पाए अभी तक हमने चार लेक्चर्स डिलीवर किए हैं जिसमें केमिस्ट्री मैथमेटिक्स फिजिक्स और पिछले हफ्ते अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंस पे लेक्चर दिया गया सभी लेक्चर्स को बहुत ज्यादा सराहा गया और बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और लाइव भी देख पा रहे हैं तो आज की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के इंस्ट्रक्टर आदित्य शंकर मड्यूरी को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा डॉक्टर आदित्य शंकर ने इलेक्ट्रॉनिक्स और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के विभिन्न क्षेत्रों में काम किया है उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री मुंबई यूनिवर्सिटी से प्राप्त की इसके बाद उन्होंने अलाबामा यूनिवर्सिटी यूनाइटेड स्टेट्स से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एम एस की डिग्री प्राप्त की एम एस करने के बाद उन्होंने करीब तीन साल ब्रॉड लेवल सर्किट डिज़ाइन के ये एक फील्ड है इसमें एज ए हार्डवेयर इंजीनियर काम किया जिसके बाद उन्होंने आर डी में और ज़्यादा इंटेंस स्टडी की और उसके बाद उन्होंने पीएचडी ज्वाइन किया डॉक्टर आदित्य ने अपना पीएचडी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर से किया और पीएचडी के दौरान वो आई बेल्जियम में 2011 में उन्होंने इंटर्नशिप की जहाँ पर उन्होंने छह महीने के लिए एडवांस आर और डी और सारी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में काम किया 2014 में उन्होंने पीएचडी कंप्लीट किया उसके बाद 2014 से 2016 तक वो बी ग्रुप डिपार्टमेंट कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी बर्कले में पोस्ट डॉक्टरेट की तरह आ, एक फेलो रहे और आ, 2016 में उन्होंने आईसर भोपाल ज्वाइन किया और तभी से वो असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म में यहाँ पर ई सी इज आर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट विच हैज स्पेशलाइजेशन इन इलेक्ट्रिकल्स एंड कंप्यूटर साइंस वहां पर वो असिस्टेंट uh, प्रोफेसर की तरह से काम करते हैं अभी आ, उनके जो एरियाज हैं जिन पे उनका रिसर्च है आ, उसमें सेमीकंडक्टर डिवाइस है मॉडलिंग सिमुलेशन इन सारी चीजों पर वो काम करते हैं और आज के लेक्चर में डॉक्टर आदित्य आपको बताएंगे कि दैनिक जीवन में इलेक्ट्रॉनिक्स के क्या क्या उपयोग हैं तो उनके जो लेक्चर का टाइटल है वो यही है दैनिक जीवन में इलेक्ट्रॉनिक्स के अनुप्रयोग Uh, मैं डॉक्टर आदित्य शंकर को इन्वाइट करूंगा कि वो आज का लेक्चर दें ओवर टू यू आदित्य डॉक्टर अमजद, कैन यू हियर मी यस एंड आई होप यू कैन सी मी टू यस यस यस। सो हाउ डू आई शेयर माय स्लाइड्स? वन सेकंड। I'm just sharing my screen one second. And... am I visible? Yes. And, and you can hear me. All yeah, right. slides are visible. It's perfect. All right, all right. Thank, you. Thank you. Uh Shukriya Dr. Amjad or uh, uh, Center for Science and Society. और राज्य शिक्षा केंद्र सबका मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा कि मैं आपसे आज इस इसके माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बताने बताना बताने का मौका मिल रहा है मुझे मैं आज का मेरे आज का जो विषय है बात करने का वो है प्रतिदिन प्रयोग में आने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स के उपकरण मेरा नाम आदित्य है मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ जैसे डॉक्टर अमजद ने बताया Uh, मैं पिछले चार साल से यहाँ पे हूँ मेरा जो एरिया ऑफ वर्क है वो अलग है uh, वो इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेमी कंडक्टर्स है uh, लेकिन आज मैं एक बहुत बेसिक लेक्चर आपको देना चाहूँगा इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में uh, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ मैं बस आपको uh, दो चीज़ें ये बताऊँगा कि uh, हमारा जो डिपार्टमेंट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस वो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग डिपार्टमेंट है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल uh, इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस दोनों हैं जो आमतौर पर आपको विश्व में बहुत सारे और जगहों पर ऐसा नहीं मिलेगा कुछ जगहों पर ऐसा है और मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा आज के लेक्चर के माध्यम से कि कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत नज़दीकी तालमेल क्यों है तो हमारे डिपार्टमेंट में जस्ट स्मॉल ओवरव्यू हमारे डिपार्टमेंट में फिलहाल 11 फैकल्टी मेंबर्स हैं जो अलग अलग विषयों पे अनुसंधान करते हैं अलग अलग एरियाज में काम करते हैं उसमें से कई सारे लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में हैं और कुछ लोग कंप्यूटर साइंस में हैं और हमारे डिपार्टमेंट में बी स्टूडेंट्स भी कई सारे हैं और पी स्टूडेंट्स भी हैं हमारा डिपार्टमेंट हालांकि काफ़ी नया है उसको केवल चार साल हुए हैं लेकिन हमारे डिपार्टमेंट की स्ट्रेंथ बढ़ रही है और एक अप एंड कमिंग डिपार्टमेंट है और इस वजह से एक्चुअली आईसर भोपाल भी बहुत यूनिक है क्योंकि सारे आईसर्स में ये इकलौता एक एक आईसर है जहाँ पे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स भी हैं और चूंकि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट अप्लाइड साइंसेस से रिलेटेड हैं, तो प्योर साइंसेस और अप्लाइड साइंसेस का एक जगह पे साथ में काम करने का मौका यहाँ पे लोगों को प्राप्त होता है जो एक बहुत अच्छी बात है और ये भविष्य के हिसाब से भी एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक आइडिया है तो मैं इससे पहले कि आगे बढ़ू राष्ट्रीय आविष्कार अभियान का आ, को अपना आभार प्रकट करना चाहूँगा और uh, मेरा जो अनुसंधान है उसके लिए एस uh, सी uh, और सी से मुझे सपोर्ट मिलता है uh, तो uh, उनको भी मेरा आभार uh, मैं सारे uh, जो अतिथिगण हैं uh, और uh, जो शिक्षक गण हैं और छात्र छात्राएं हैं सबका स्वागत करूंगा uh, इस प्रेजेंटेशन uh, को मैंने बेसिकली uh, तीन हिस्सों में विभाजित किया है uh, पहला हिस्सा जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स और जो इलेक्ट्रिसिटी यानी ऊर्जा जिससे ये इलेक्ट्रिसिटी ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चलते हैं इसके बारे में कुछ मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा जो दूसरा हिस्सा होगा वो ज्यादातर ये जो उपकरण हैं जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में होगा और जो तीसरा भाग है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्यों अगर आप आगे अपने किसी करियर ऑप्शन के बारे में सोच रहे हैं तो क्यों भारत के परिपेक्ष में इलेक्ट्रॉनिक्स एक बहुत ही अहम फील्ड है जिसके बारे में आपको बहुत सोचना चाहिए और ये एक बहुत फ्यूचरिस्टिक फील्ड रहेगा पहले भी था और आगे भी रहेगा और मैं इसके कुछ ठोस कारण आपको बताने सर्थ प्रतम, सर्थ प्रतम, की कोशिश करूँगा सबसे प्रथम सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक्स की परिभाषा अगर हम सोचें तो बेसिकली uh, इलेक्ट्रॉनिक्स uh, एक ऐसा फील्ड है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स को स्टडी करते हैं यानी इलेक्ट्रॉन्स से संबंधित है ये फील्ड और uh, ये जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है यानी ये इलेक्ट्रॉन्स की जो गतिविधि है uh, उसी को इलेक्ट्रॉनिक्स uh, कहा जाता है लेकिन फॉर द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की गतिविधि के लिए एक एक्सटर्नल पोटेंशियल या विभव की ज़रूरत होती है और इस एक्सटर्नल पोटेंशियल को अप्लाई करने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है Uh, ये जो फील्ड है ये शुरू हुआ था 1897 में जे ए फ्लेमिंग करके एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने uh, एक वैक्यूम uh, ट्यूब का इजाद किया था और उन्हीं के चलते ये इलेक्ट्रॉनिक्स uh, का फील्ड वहीं से स्टार्ट हुआ है uh, अब जब हम इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की बात करते हैं तो uh, आपका जो इलेक्ट्रिक uh, करंट होता है यानी कि uh, uh, तो वो वो इलेक्ट्रिक करंट तब पॉसिबल होता है जब आपने एक बाहरी विभव अगर अप्लाई किया हो तो उस एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल वोल्टेज की वजह से आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ये गतिमान होते हैं और ये मूव करने लगते हैं और इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स का जो जो गतिमान है उनका मूवमेंट और उनके उनके मूवमेंट की स्टडी इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाती है लेकिन इससे पहले कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स में एक जो बेसिक uh, फाउंडेशन जो है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत का उत्पादन बहुत जरूरी है क्योंकि उसी विद्युत के कारण आपके जो भी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं हैं वो चल रही हैं uh, कई सारे विद्युत के उत्पादन के स्रोत हैं uh, मैं केवल चार के बारे में बात करने जा रहा हूँ uh, उसमें पवन ऊर्जा है परमाणु ऊर्जा है uh, सौर ऊर्जा है और पंचक्की यानी हाइड्रोल पावर है इसमें से अगर आप देखिएगा तो चार में से तीन ऐसे स्रोत हैं जो प्राकृतिक हैं और एक परमाणु ऊर्जा है जो जो हमारे देश में तो काफी इस्तेमाल में रहा है 1960 से लेकिन उसके कुछ खतरे हैं जिसके बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा अगर हम पवन ऊर्जा की बात करें तो आप देखिएगा यहाँ पे कि एक विंड बाइन है तो ये जो विंड टर्बाइन है ये बेसिकली एक फ़ैन है जिसके ब्लेड चलते हैं बहती हुई हवा की वजह से तो इस बहती हुए हवा की रफ्तार की वजह से आपके जो फैन के ब्लेड जैसे ही चलते हैं तो उस पवन के रफ्तार को पवन की गति को ये फ़ैन के ब्लेड्स इस्तेमाल कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए और ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन किया जा रहा है ये आपके जनरेटर द्वारा किया जा रहा है आपने आमतौर पर जनरेटर्स कई सारी जगहों पर देखे होंगे जैसे कई सारे बैकअप्स के लिए शादियों में एक्सेट्रा वहाँ पे भी ये जनरेटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं लेकिन यहाँ पे जो जनरेटर्स की बात हो रही है ये जनरेटर्स काफ़ी हाई वोल्टेज़ पे चलते हैं और काफ़ी हाई वोल्टेज में कन्वर्जनस करते हैं तो ये जो ये जो, ये जो विंड पावर टू इलेक्ट्रिकल पावर का जो कन्वर्जन किया जा रहा है यहाँ पे ये पवन ऊर्जा का बेसिक आइडिया है यानी कि विंड पावर का बेसिक आइडिया ये कि जो पवन की गति है उस पवन की गति की वजह से आपके जो विंड टर्बाइन के ब्लेड चलते हैं और उसी का इस्तेमाल किया जाता है टू कन्वर्ट इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी वैसे ही अगर हम परमाणु ऊर्जा की बात करें तो परमाणु ऊर्जा में यह है कि आप अगर बाई और देखें तो आप एक न्यूक्लियर रिएक्टर पाएंगे इससे पहले कि मैं इसके बारे में थोड़ा और उल्लेख करूं मैं आपको बताऊं कि जैसे मैं आपसे कह रहा था कि नाइनटीन से ये जो न्यूक्लियर पावर है ये हमारे देश में बिजली उत्पादन में इस्तेमाल किया जा रहा है अगर आप हमारे देश में देखें तो कई सारी जगहों पे न्यूक्लियर पावर स्टेशन हैं जैसे कि तारापुर महाराष्ट्र में या कायगा कर्नाटक में जैसे कल्पाकम तमिलनाडु में ऐसे बहुत सारे और जगह हैं जहाँ पे न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल किया जा रहा है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में ये है कि या तो फिशन या फ्यूजन इस्तेमाल किया जाता है ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स में जिसमें बहुत हाई एनर्जी रिएक्शंस होती हैं और वो जो हाई एनर्जी रिएक्शंस हैं उन हाई एनर्जी रिएक्शंस को भाप में कन्वर्ट किया जाता है तो अगर उसे भाप में कन्वर्ट करना है तो फिर पानी की ज़रूरत होती है तो एक पानी का स्त्रोत ज़रूरी है और वो जो पानी का स्त्रोत है इस न्यूक्लियर रिएक्टर की गर्मी के माध्यम से उस पानी के पानी को भाप में बदल दिया जाता है और वो जो भाप है वो एक यहाँ पे भी आप देखिएगा एक टर्बाइन है और ये टर्बाइन बेसिकली एक पंखा है जिसके ब्लेड चलते हैं और ये जो भाप है इस भाप को की जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है तो बेसिकली Uh, बात यह है कि आपके चाहे जो भी बिजली के uh, उत्पादन के स्रोत हों, उन सबों में uh, किसी ना किसी एनर्जी को uh, जो दूसरी टाइप की एनर्जी है जैसे यहां पे न्यूक्लियर एनर्जी को मैकेनिकल uh, एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है पिछले एग्जाम्पल में विंड एनर्जी को uh, गतिमान uh, हवा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा था आ, लेकिन एक और चीज आप ध्यान दीजिए वो ये कि आप जब घर पे अपने किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को चलाते हैं तो आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को जब आप पावर आउटलेट से कनेक्ट करते हैं तो आपके पावर आउटलेट पे आता है 220 टू तो 240 वोल्ट एसी लेकिन इन स्रोतों से जो बिजली का उत्पादन होता है जो मैं आपको कुछ स्लाइड्स बाद दिखाऊंगा उसमें वो कई किलो वोल्ट की वोल्टेज को तैयार किया जाता है तो वो जो कई किलो वोल्ट के वोल्टेज को तैयार किया जाता है उसके बाद बहुत ज़्यादा स्टेप्स और डाउन कन्वर्जन के बाद बहुत ज़्यादा उसको डाउन कन्वर्ट करने के बाद आपके घर तक वो पहुंचाया जाता है ताकि आप अपने रोजमर्रा की एप्लीकेशन में इसका इस्तेमाल कर पाए तो ये था परमाणु ऊर्जा और इससे पहले चलते चलते मैं आपको एक और बात बता दूं वो ये कि परमाणु ऊर्जा में एक खतरा जो है वो ये है कि न्यूक्लियर वेस्ट की तैयारी होती है परमाणु ऊर्जा में तो जब ऊर्जा तो बहुत ज़्यादा तैयार होता है परमाणु ऊर्जा के माध्यम से लेकिन ये जो न्यूक्लियर वेस्ट है ये ये भी एक खतरा है और इसकी वजह से बहुत सारे देशों में न्यूक्लियर पावर के बारे में लोगों को थोड़ा बहुत भय है अब एक और जो बहुत पॉपुलर है जो बहुत प्रचलित है वो है सौर ऊर्जा तो आप देखिएगा हमारे आयसर भोपाल में भी सोलर पैनल्स हैं अब सौर ऊर्जा का यह है कि आपका जो इंसिडेंट सोलर पावर होता है यानी कि जो सूर्य का ताप होता है, उस सूर्य के ताप को और उसकी गर्मी को इस्तेमाल करके उसको बिजली में कन्वर्ट किया जाता है तो ये जो कन्वर्जन है ये आपके सोलर पैनल के माध्यम से होता है जिसमें सोलर सेल्स होती हैं अब ये जो सोलर सेल्स होती हैं आपको जान के आश्चर्य होगा कि इन सोलर सेल्स का uh, जो एफिशिएंसी होता है वो आमतौर पर तीस प्रतिशत के आसपास होता है लेकिन हमारे देश में सोलर सेल्स और सोलर पैनल्स का फ्यूचर बहुत ब्राइट इसलिए है बहुत उज्जवल इसलिए है क्योंकि uh, हमारे देश में सौर ऊर्जा की कोई कमी नहीं है uh, और uh, ख़ास करके ग्रीष्म ऋतु में uh, इस सौर ऊर्जा का पूरी तरह अगर प्रयोग हम कर पाए तो uh, हम काफ़ी ज़्यादा uh, uh, आत्मनिर्भर हो सकते हैं बिजली के उत्पादन के मामले में तो ये सौर ऊर्जा एक और तरीका है यूटिलिटी ग्रेड एसी पावर तैयार करने का आप यहाँ देखें तो आपका जो सोलर पैनल है वो इस सौर ऊर्जा को डीसी पावर में कन्वर्ट करता है और एक इन्वर्टर इस डीसी टू तो एसी में कन्वर्ट करने करता है और उसके बाद कुछ स्टेप्स के बाद आपको एक यूटिलिटी ग्रेड एसी पावर मिलता है और जहां पे हम यूटिलिटी ग्रेड एसी पावर की बात करें वो बेसिकली आपके घर में जो 220 से 240 वोल्ट एसी जिसको आप अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के उपकरणों में इस्तेमाल करते हैं आ, ये उसी की बात हो रही है आ, अब सौर ऊर्जा के अलावा एक और जो, आ, जो जो बहुत सालों से हमारे देश में चला आया है वो है हाइड्रल पावर यानी कि पंचक की तो यहाँ पे आप देखिए कि एक डैम है एक बांध है और उस बांध से पानी को छोड़ा जा रहा है और ये पानी बहुत ही तेज गति से एक फैन पर आ रहा है आ, और ये जो फैन फैन की ब्लेड्स जो हैं इस पानी की गति को और इस पानी के बहाव को इस्तेमाल करके उसको इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट कर रही हैं ये बहुत सारी जगहों पे हमारे यहाँ आप जानते होंगे कि ये हाइड्रल पावर का इस्तेमाल किया जा रहा है इसमें दो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा पहली बात ये कि आप इस बात पे ध्यान दीजिए कि ये जो पानी है ये ऊंचाई से एक कम ऊंचे स्थान पे जा रहा है और ये जो हाइट का डिफरेंस है ये जो ऊँचाई का फर्क है जितना ज़्यादा ऊँचाई का फर्क होगा उतना ज़्यादा पानी गतिमान होगा और उस गति का इस्तेमाल किया जा रहा है इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन के लिए तो यानी यहाँ पे भी आप देखिएगा कि मैकेनिकल एनर्जी ये पानी का बहाव और उसकी गति उसका इस्तेमाल किया जा रहा है फॉर इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन बिजली के उत्पादन के लिए uh, और मैं अगर आपको ये जो वोल्टेज के बारे में पहले बता रहा था और उस वोल्टेज के वजह से आपका जो uh, विद्युत का बहाव होता है uh, ये वोल्टेज बेसिकली कुछ ऐसा ही है वोल्टेज जब हम अप्लाई करते हैं कहीं पे तो वो वोल्टेज किसी दो पॉइंट्स के बीच में अप्लाई किया जाता है तो वो वोल्टेज ये जो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पानी एक ऊंचाई से एक निचले स्थान तक तेजी से बहता है तो जितनी ज्यादा ऊंचाई का फर्क होगा उतना ज्यादा तेज पानी बहेगा वैसे ही आप जितना वोल्टेज अप्लाई करेंगे उस वजह से आप एक वोल्टेज का फर्क पैदा करते हैं और उस वोल्टेज के फर्क की वजह से आपका जो करंट है वो बहता है आपके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बहते हैं तो आपके इलेक्ट्रॉन्स का बहाव इस वोल्टेज पर आधारित है अब आपने आ, मैंने आपको विद्युत के स्रोत तो बताए हैं चार उसमें से मैंने आपको ये भी बताया कि तीन ऐसे हैं जो प्राकृतिक हैं और इनमें कोई ऐसा खतरा नहीं है परमाणु ऊर्जा हालांकि बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है लेकिन उसके बावजूद वो थोड़ा सा उस, उसमें कुछ खतरे हैं लेकिन अब जो विद्युत की पैदावार हो गई उसके बाद ये विद्युत आपके घर तक पहुंचता कैसे है इसका संचारन कैसे किया जाता है तो जनरेशन के बाद कई सारे स्टेप्स होते हैं जब आप जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिकल पावर को तो वो जो वोल्टेजेस होती हैं वो किलो वोल्ट में होती हैं देखिएगा यहाँ पे थर्टीन पॉइंट टू किलो वोल्ट का पावर लाइन है जो आपका वो पावर लेकर आ रहा है लेकिन आपके घर तक पहुंचते पहुंचते ही टू ट्वेंटी टू फोर्टी वोल्ट ए होता है इसका मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे स्टेप्स हैं जहां पे ट्रांसमिशन और सब ट्रांसमिशन कि एक स्टेशन और वहां से एक सब स्टेशन और फिर एक डिस्ट्रीब्यूशन तो ऐसे कई सारे स्टेप्स हैं जहां पे आपका जो जनरेटेड uh, पावर है उसको डाउन कन्वर्ट किया जाता है और फिर अंतिम जो कदम है इस पावर के लिए वो आपका घर है वो आपके घर तक आकर रुकता है और इसी टू ट्वेंटी टू फोर्टी वोल्ट ए को आप अपने घर में इस्तेमाल करते हैं नियमित रूप से इसी का एक और उदाहरण ये एक स्लाइड है जिसमें यही सारी चीजें आपको बताई जा रही हैं कि कैसे हाइड्रल पावर के किसी प्रोजेक्ट से आ, बिजली का उत्पादन किया गया है और वो बिजली कैसे आपके रेजिडेंशियल प्लेस तक पहुंच रहा है और इस रेजिडेंशियल प्लेस तक पहुंचते पहुंचते आ, इसको कितने सारे और स्टेप आ, 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 का सामना करना पड़ा और कहां कहां पे इसको डाउन कन्वर्ट होना पड़ा और फाइनली ये आपके घर तक पहुंचा है Uh, अब विद्युत के संचारन के बाद ये बात भी जानना जरूरी है कि ये जो पावर लाइन्स होती हैं ये पावर लाइन्स uh, कैसे इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करती हैं और किस टाइप के मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाता है तो बेसिकली uh, ये जो मटेरियल्स हैं जो बेसिकली मेटल्स हैं यानी कि धातुएं हैं उन धातुओं का इस्तेमाल किया जाता है टू कैरी इलेक्ट्रिकल पावर और उसका बेसिक रीजन ये है कि आप ये चाहोगे कि जहाँ से आपने अपने जो आपका विद्युत का स्त्रोत है और आपका जो सबस्टेशन है और बाकी के जो भी और स्टेप्स हैं वहाँ पे आपका कोई पावर लॉस ना हो यानी कि जितना आप भेजना चाहते हो इलेक्ट्रिसिटी या बिजली के मामले में वहाँ पे कहीं पे भी कोई लॉसेस ना हो तो ट्रांसमिशन लॉसेस को तो प्रिवेंट करने के लिए उसको उसको ना होने देने के लिए हम धातुओं का इस्तेमाल करते हैं और ये धातुएं जैसे एल्युमिनियम है जैसे तांबा है, है कॉपर या सिल्वर या गोल्ड या इनका कोई मिश्रण तो ये सारे इस्तेमाल किए जाते हैं फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन तो इलेक्ट्रिसिटी तो आपके घर आ गया लेकिन आप ये सोचिए कि इलेक्ट्रिसिटी का आपसे कहीं और पे भी नाता होता है आप कई बार ये देखेंगे कि जब आप किसी से हाथ मिलाने जाते हैं खैर कोरोना के टाइम पे हाथ मिलाना तो मुश्किल है लेकिन जब आप हाथ मिलाते होंगे तभी भी कई बार आपको शौक़ लगता है किसी से हाथ मिलाने पे ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके हाथ में एक विभव होता है एक पोटेंशियल होता है और कुछ चार्जेस होती हैं और वैसे ही इलेक्ट्रिकल चार्ज आपके किसी मित्र के हाथ में भी होता है और इस विभव के फर्क की वजह से या काया जब आप हाथ मिलाते हैं तो एक इलेक्ट्रिकल करंट पास होता है आप दोनों के हाथ के बीच में जिसकी वजह से आप दोनों को शौक लगता है इसका एक और उदाहरण है एक लड़की जिसके बाल ऐसे खड़े हो गए हैं वो भी स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से होता है और इसके विपरीत एक कौवा जो पावर लाइन पे बहुत ही आसान आराम से बैठा हुआ है आ, उसको कुछ नहीं हो रहा क्योंकि जो कौवे के शरीर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी और चूंकि पास नहीं होगी तो कौवा बहुत आसानी से वहां बैठा हुआ है आ, एक और एग्जाम्पल एक, एक इंसान का जो यहाँ पे आ, ड्रिल लेकर कुछ ड्रिल कर रहे हैं और इनको अचानक से शौक लगा आ, ये शौक इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पे कोई जो मेटल ड्रिल है जिसका ये इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे कोई एक लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हुआ है यानी कोई जगह कोई एक कोई दो पार्ट हैं कोई दो हिस्से हैं इस मेटल ड्रिल के जो शॉर्ट हो गए हैं जिसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये ये विद्युत इनके शरीर से बहने लग गया है और इनके शरीर से बहता हुआ ये ग्राउंड पॉइंट पे जा रहा है तो इस वजह से ये इनके बाल भी खड़े हो गए हैं इस इलेक्ट्रिसिटी के बहाव की वजह से तो मैं आपको ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आपको ये बताने के लिए कि कहीं ना कहीं आपको दैनिक जीवन में इस इलेक्ट्रिसिटी से आप रूबरू होते रहते हैं तो आपको ये बात बताने के लिए मैंने ये कुछ उदाहरण दिए हैं अब मैं अपने जो प्रेजेंटेशन के दूसरे हिस्से से पर जाने से पहले मैं आपको एक चीज थोड़ा क्लियर करना चाहूंगा वो ये कि डीसी सिग्नल और एसी सिग्नल क्या होता है तो आप कई जगह जैसे मैंने अभी भी आपसे कहा कि 220 ट्वेंटी वोल्ट ए आपके घर पर आता है तो 220 ट्वेंटी वोल्ट एसी का मतलब ये है कि आपका आपके सिग्नल की जो मात्रा है यानी आपके करंट की जो मात्रा है वो करंट आ, समय के साथ बदलता रहता है ऊपर नीचे ऊपर नीचे देखिए होता रहता है वो लेकिन एक डीसी सिग्नल ऐसा होता है जिसमें आपके करंट की मात्रा समय के साथ नहीं बदलती वो वैसी ही की वैसी ही रहती है। अब मैं मैं अपने और और एक चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा जो एक्चुअली मैंने बाद में क्लैरिफाई भी किया है वो एक इलेक्ट्रिकल स्विच के बारे में आप देखिएगा कि जब आप किसी अप्लायंस को किसी उपकरण को पावर आउटलेट में कनेक्ट करते हैं तो Uh, आप एक स्विच का इस्तेमाल करते हैं इस पावर uh, uh, को ऑन करने के लिए वोल्टेज ताकि आपके इस अप्लायंस के थ्रू वो पास हो आप एक स्विच uh, ऑन करते हैं वो स्विच जब आप ऑन करते हैं वो स्विच एक इलेक्ट्रिकल स्विच कहलाता है और जो ही वो इलेक्ट्रिकल स्विच आप ऑन करते हैं वैसे ही वो वोल्टेज uh, आपके अप्लायंस पर आपका अप्लायंस एक्सपीरियंस करता है उसे महसूस करता है और आपके अप्लायंस के थ्रू करंट पास होने लगता है Uh, उसका एक उदाहरण यहाँ पे भी दिया गया है जहाँ पे एक बल्ब है स्विच uh, जब ऑफ पोजिशन में है तो बल्ब नहीं जलती और जब स्विच ऑन पोजिशन में है तो आप देखिएगा बल्ब जल उठता है uh, जैसे मैंने कहा एक मेरे पास एक YouTube वीडियो है जो मैं आपको अंत में दिखाने वाला हूँ uh, अब मैं आपको कुछ उदाहरण देने वाला हूं एक्चुअली बहुत सारे उदाहरण दूंगा uh, जहां पे आप इलेक्ट्रॉनिक्स का दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं पहला उदाहरण Uh, मान लीजिए आपको एक uh, अलार्म लगाना है आप कल सुबह उठना चाहते हैं तो आपने कोई टाइम सेट किया लेकिन इससे पहले कि आप टाइम सेट करते आपको एक बैटरी लगाना पड़ेगा अपने अलार्म में तो आप बैटरी लगाओगे तो ये अलार्म चलने लगेगा और आ, जो भी नियमित समय आपने रखा है जो सेट किया है आपने अपने, अपने अलार्म में उसके हिसाब से एक बजर बजेगा तो यहाँ पर तो मैं आपको एक बात बताऊं वो ये कि इलेक्ट्रॉनिक्स को आमतौर पर लोग आसानी से अगर समझना चाहें तो एक अच्छा तरीका समझने का ये होता है कि आ, आपकी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में इनपुट क्या है अंदर क्या आ रहा है और आपको आउटपुट क्या मिल रहा है आपको देखने या सुनने को क्या मिल रहा है तो आपका जो इनपुट है वो तो आपका नाइन वोल्ट बैटरी है आपने एक बैटरी लगाया है यहाँ पे तो आपका वोल्टेज विभव है इनपुट और आपका जो आउटपुट है वो एक बजता हुआ अलार्म है वो अपने समय के हिसाब से बचेगा यहाँ पे होता ये है कि आप यहाँ पे कुछ गोल गोल चीज़ें देख रहे होंगे जो ट्रांजिस्टर्स कहलाती हैं मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊँगा केवल इतना बताऊँगा कि ये जो ट्रांजिस्टर्स हैं ये स्विचेस की तरह होती हैं और ये स्विच जब ऑन होता है तो ये विद्युत को अपने थ्रू पास होने लग पास करने के लिए अलाउ करता है तो आपका जो विद्युत है इस ट्रांजिस्टर के थ्रू पास होता है और आपका जो बज़र है ये बजेगा तब तो आपके बज़र के बजने के लिए ये वोल्टेज बहुत ही अनिवार्य है और आपने जैसे जब टाइम सेट किया तो उस टाइम के हिसाब से आपका बजर तब बजेगा तो इसका एक फ्लो चार्ट भी यहाँ पे दिया गया है जिसमें जब अलार्म बजता है तो या तो आप उठ सकते हैं और उठ के आप अलार्म बंद कर दीजिएगा या तो फिर अगर आपको बाद में उठना है तो आप स्नूज मोड में अलार्म को रख सकते हैं तो ये एक बहुत आसान एग्जाम्पल है जहां पे आप एक बैटरी का इस्तेमाल कर रहे हैं और बैटरी बेसिकली एक वोल्टेज यानी विभव का स्त्रोत है और आपको जो आउटपुट में मिल रहा है वो है बजर का आवाज जो आपको जगा देगा वैसे ही अगर आप एक इलेक्ट्रिक केटल यानी विद्युत की केतली के बारे में बात करें तो अगर आप देखिए तो आप जैसे पानी डालेंगे इस केटल में तो दो ऑप्शन है आपके पास या तो आप इसका कोई एक टेम्परेचर सेट कर सकते हैं तो मान लीजिए आपने इस केतली को ऑन किया और आपने इस केतली को ऑन किया और ये आप या तो इसका टेम्परेचर सेट कर सकते हैं अगर आप टेम्परेचर सेट करते हैं तो ये उस टेम्परेचर तक आकर पानी को गर्म करके केतली को बंद कर देगा या तो आप ऐसा करें या तो फिर आप कोई टेम्परेचर ना सेट करें तो इसका एक डिफॉल्ट इंटरनल प्रोग्राम होता है अंदर से एक प्रोग्राम होता है जब जो ही आपने ये केतली ऑन कर दी ये जो पानी को ये केतली गर्म कर देगी और ये जो इंटरनल प्रोग्राम है ये डिसाइड कर देगा कि अच्छा इस तापमान तक ये पानी पहुंच चुका है और इस केतली को बंद कर देगा तो ये मैं आपको खास ये बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मान लीजिए ऐसा कोई प्रोग्राम ना होता अगर ऐसा कोई प्रोग्राम ना होता तो आपकी केतली चलती रहती इसको बंद करने का कोई तरीका ना होता और ये केतली फिर खराब हो जाती तो ये एक स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बहुत अच्छा उदाहरण है स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स इस तरीके से कि आपका जो केटल है आपकी केतली में एक हीटिंग एलिमेंट एग्जिस्ट करता है और वो हीटिंग एलिमेंट ये तय करता है कि आपका पानी गर्म हो आपके पानी को गर्म करने के लिए ये जो हीटिंग एलिमेंट है ये जिम्मेदार है लेकिन आपका जो ये प्रोग्राम है प्रोग्राम ये, ये तय कर रहा है कि आपका पानी उस नियोजित तापमान तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है अगर उस सेट तक आपका पानी पहुंच जाता है तो जो ही ये पानी पहुंच जाता है आपका जो केटल है वो बंद हो जाता है तो उसमें एक प्रोग्राम का अनिवार्य का होना अनिवार्य है क्योंकि उसी से आपका जो केटल है ये चलेगा तो आप इस बात पे ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे भी मैं आपको ये बात बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें आप देखिएगा कि एक प्रोग्राम है यानी कि कुछ सॉफ्टवेयर है जो इलेक्ट्रॉनिक्स को यानी कि हार्डवेयर को कंट्रोल कर रहा है तो इस सॉफ्टवेयर का इस हार्डवेयर को कंट्रोल करना आपके इस उपकरण की लंबी आयु के लिए बहुत जरूरी है और कारगर तरीके से काम करने के लिए भी जरूरी है वैसे ही मैं आपको और बहुत सारे उदाहरण देने वाला हूं जैसे एक स्त्री का डब्बा इलेक्ट्रिक आयन इलेक्ट्रिक आयन में जैसे मान लीजिए आपको कपड़े इसत्री करने हैं तो आप आयन ऑन करेंगे आप एक मोड सेट करेंगे जिस हिसाब से आपको कॉटन के कपड़े इस्त्री करने हैं या आ, या कोई और मटेरियल के तो वो जो मोड आप सेट करेंगे तो उसके हिसाब से आपका जो टेम्परेचर है आयन का ये चेंज होता रहता है आ, तो आप ध्यान दीजिए इस जो ब्लॉक डायग्राम में आप देखेंगे थर्मोस्टेट करके कुछ लिखा हुआ है ये जो थर्मोस्टाट है वो आपके मोड के हिसाब से जो टेम्परेचर है जो रेफरेंस इनपुट है उसका और आपके आयन का जो एक्चुअल है, जिस तापमान पे आपका आयन एक्चुअली है वो दोनों टेम्परेचर का कंपेरिजन करके आपका जो थर्मोस्टैट है आ, वो आपके इंटरनल हीटिंग एलिमेंट को आ, बताता रहता है कि अच्छा और काम करो और गर्मी पैदा करो आ, और ये गर्मी आपको जो सोल प्लेट ऑफ आयन है यानी कि निचला हिस्सा आपके आयन का वहां पे आप ये आ, और जहां पे आपका आपके कपड़े का संपर्क होता है अपने आयन से उस सोल प्लेट ऑफ द पे ये हीटिंग एलिमेंट उसको गर्मी पहुंचाता है तो ये जो आ, फर्क देखना है बिटवीन जो का जो एक्चुअल सोल प्लेट ऑफ का है और जिस मोड पे आपने अपने आयन को ओरिजिनली सेट किया था आ, उन दोनों का फर्क आपके थर्मोस्टेट को ऑन या ऑफ करेगा मान लीजिए आप उस तापमान पे पहुंच गए तो आपका जो थर्मोस्टेट है वो अपने आप बंद हो जाएगा और जैसे ही बंद हो जाएगा आपका स्त्री का डब्बा भी बंद हो जाएगा ताकि आपके कपड़े जल ना जाए तो ये जो एक फ़र्क है वो आप देख रहे हैं बिकॉज ऑफ सेंसर्स एंड बिकॉज ऑफ इंटेलिजेंट इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि सॉफ्टवेयर कंट्रोल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स और सेंसर्स और सेंसर्स की बात तो मैं आपसे बाद में भी करने वाला हूं जब मैं रेफ्रिजरेटर्स के बारे में आपको बताऊंगा लेकिन आप इन दो चीज़ों को गांठ बांध लीजिए पहला ये कि आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स है ये स्मार्ट इसलिए है क्योंकि सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है लेकिन केवल सॉफ्टवेयर से आपका इलेक्ट्रॉनिक्स स्मार्ट नहीं होगा आपका जो हार्डवेयर है आपके हार्डवेयर को सही तरीके से काम कराने के लिए इस सॉफ्टवेयर का जहां इस्तेमाल किया जा रहा है वहां पे इन दोनों का समागम आपको एक बहुत ही इंटेलिजेंट पीस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स दे रहा है जिसका इस्तेमाल आप हर जगह यूज़ कर रहे हो अपने लाइफ में और करते रहोगे एक और उदाहरण मैं आपको माइक्रोवेव एवन का दूंगा आमतौर पर हम ये सोचते हैं कि एक डब्बा है ये वो अवन की कैविटी होती है लेकिन अवेन की कैविटी में आप किसी ठंडे खाने को रखते हैं और आप अपना तापमान तय करते हैं कितने समय तक आप अपने माइक्रोवेव को इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने खाने को गर्म करने के लिए लेकिन इसका जो सिद्धांत है वो ये है कि कंट्रोल पैनल तो आपको दिख रहा है लेकिन इसमें एक चीज गौर कीजिए वो है मैग्नेट्रॉन ये जो मैग्नेट्रॉन है ये आपने आपके जो माइक्रोवेव्स हैं तो डॉक्टर रोहन ने कुछ लेक्चर्स पहले माइक्रोवेव्स माईक, के बारे में बात किया था तो ये जो माइक्रोवेव अवन है ये इन माइक्रोवेव्स का को तैयार करता है और उसके माध्यम से आपके खाने को गर्म करता है तो ये जो मैग्नेट्रॉन है ये आपके माइक्रोवेव्स को एक माइक्रोवेव uh, फ्रीक्वेंसी पे uh, तैयार करता है और ये जो टर्न टेबल मोटर है इसकी वजह से आपका आप देखते हैं कई कई बार की आपका एक प्लेट है इस पे आप अपना खाना रखते हैं और वो रोटेट होता रहता है तो उसका जो रोटेशन है स्टर्न टेबल मोटर की वजह से होता है एक लैम्प है जो जलता रहता है और इस मैग्नेट्रॉन से जो माइक्रोवेव तैयार किए गए हैं उसको इस्तेमाल करते हुए आपके खाने को समान तरीके से यूनिफॉर्म तरीके से गर्म किया जाता है तो ये बेसिकली आपके माइक्रोवेव एवन का इस्तेमाल है और यहाँ पे क्रिटिकल थिंग इज द मैग्नेट्रॉन मैग्नेट्रॉन का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है और मैग्नेट्रॉन आपके माइक्रोवेव के लिए बहुत अहम है um, मैं फ्रिज की बात कर रहा था फ्रिज uh, आप देखिए अगर आपने फ्रिज के डोर पे जाएं तो आप पाएंगे वहाँ पे लिखा हुआ है uh, आमतौर पे लिखा हुआ होता है वन ट्वेंटी टू फोर्टी वोल्ट वोल्टेज स्टेबलाइज यानी कि आप देखेंगे कि uh, चाहे वोल्टेज कम हो या ज़्यादा हो आपके फ्रिज में एक वोल्टेज स्टेबलाइजर होता है जिसके द्वारा आ, कम या ज्यादा वोल्टेज चाहे जैसा भी हो आपके फ्रिज पे इसका कोई असर नहीं होता यानी कि आपके फ्रिज के पास ऐसे तरीके हैं आ, ऐसा सोफिस्टिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स है अपने अंदर जिसके द्वारा बाहर के वोल्टेज का आपके फ्रिज के आ, सुचारू रूप से काम करने पर कोई असर नहीं पड़ता लेकिन फ्रिज में होता क्या है फ्रिज में आप कुछ खाना रखते हैं जिसको एक तापमान पे आप जो तापमान पे आप अपने फ्रिज को रखना चाहते हैं उस तापमान में पर आपका खाना रहता है और उससे आपके खाने की लॉन्जेविटी बढ़ती है खाना खराब नहीं होता यहाँ पे आप ध्यान दीजिए दाई और एक एयर टेम्परेचर सेंसर करके लिखा हुआ है और यहाँ पे डोर ओपन सेंसर लिखा हुआ है ये जो एयर टेम्परेचर सेंसर है और ये डोर ओपन सेंसर है ये दो चीज़ें एक प्रोग्राम कंट्रोल के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं इससे बात कर रही हैं ये जो प्रोग्राम कंट्रोल है ये कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है इस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के तहत आपका जो कंप्रेसर है और आपका जो फैन है वो चलता है वो आपकी फ्रिज का ठंडक तय करता है और ये जो एयर टेम्परेचर सेंसर है ये बेसिकली एक पीस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है और ये इंटेलिजेंट इलेक्ट्रॉनिक्स इसलिए है क्योंकि आपने जो टेम्परेचर अपने फ्रिज का तय किया है ये एयर टेम्परेचर सेंसर इस बात को सुनिश्चित करता है कि आपका फ्रिज का जो कंप्रेसर और फैन है वो आपके जो फ्रिज का जो कंपार्टमेंट है और जो फ्रीजर का कंपार्टमेंट है उसमें जिस तापमान पर आप अपने खाने को रखना चाहते हैं उसी टेम्परेचर पे वो रहे तो यहाँ पे भी आपका जो सॉफ्टवेयर है वो आपके हार्डवेयर को इस्तेमाल करने में कारगर साबित हो रहा है तो आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जब वो साथ में काम करते हैं तो आपको मिलता है इंटेलिजेंट इलेक्ट्रॉनिक्स और एक फ्रिज एक बहुत अच्छा उदाहरण है इसका आ, फ्रिज के अलावा एक और चीज ऐसे एक वॉशिंग मशीन वॉशिंग मशीन में आप अपने कपड़े रखते हैं अ गंदे कपड़े जिनको धुलना है आ, एक ड्रम होता है जिसमें ये कपड़े धुलते हैं ये ड्रम एक मोटर के माध्यम से चलता है आ, और आप ध्यान दीजिएगा कि जब आप पावर बटन ऑन करते हैं और ये एक फ्रंट लोडेड वॉशिंग मशीन है थोड़ा रिसेंट वाला उसमें आप अपना मोड सेट करते हैं कि आप अपने कपड़े कितने समय तक धोना चाहते हैं किस मोड में धोना चाहते हैं यानी किस तरीके के कपड़े हैं उसके हिसाब से आपका जो तापमान है आपके पानी का अंदर वो तय होगा और उस पानी के तापमान के हिसाब से आपके कपड़े धुलेंगे तो यहाँ पे फिर आपको एक हीटर की जरूरत होगी और ये हीटर इसलिए भी चाहिए क्योंकि आपका जो वॉशिंग और रिंस साइकिल है इसके बाद आपके कपड़ों को आपके कपड़ों को स्पिन और ड्राई करने के लिए इस हीटर की जरूरत होगी और उसके बाद ये जो गंदा पानी है वो बाहर चला जाएगा और आपको साफ सुथरे कपड़े मिलेंगे तो यहाँ पे भी आप देखिए कि ये जो डिस्प्ले है ये जो कंट्रोल करके लिखा हुआ है ये कंट्रोल बेसिकली एक आ, आ, ये कंट्रोल ये तय करता है कि आपका वॉशिंग मशीन किस मोड में काम करेगा और वो भी एक टाइप का सॉफ्टवेयर कंट्रोल है तो ये सॉफ्टवेयर कंट्रोल ऑफ हार्डवेयर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स लाइक मोटर पंप ये सब बेसिकली आपका मूल आधार है आपके वॉशिंग मशीन के काम करने का आ, वैसे ही एयर कंडीशनर एयर कंडीशनर का वर्किंग प्रिंसिपल आपके किसी फ्रिज से कोई बहुत अलग नहीं है आपको एक कमरे को वातानुकूलित करना है आ, इसमें एक फैन है आ, और तो बेसिकली आपका जो एयर कंडीशनर है ये तब तक चलेगा जब तक आपका कमरा उस तापमान तक नहीं पहुंचता जहां तक आप अपनी एसी को चाह रहे हो कि वो पहुंचे तो आपने पहले एक तापमान तय किया और आपने अपना एसी ऑन किया तो यहाँ पे एक पीआईसी यानी कि कंट्रोलर है जो काम करता है और ये कंट्रोलर निरंतर आपके करंट और वोल्टेज सेंसर्स और आपके जो टेम्परेचर सेंसर के संपर्क में रहता है तो आपका जो ए है वो तब तक चलेगा जब तक आपका कमरा एक सेट टेम्परेचर तक पहुंच नहीं जाता आप एक और बात आप एक और बात का ध्यान दीजिए वो ये कि आपका जो करंट और वोल्टेज सेंसर है वो बेसिकली ये तय करता है कि आपका ओवर वोल्टेज और ओवर करंट ना हो और इस ओवर वोल्टेज और ओवर करंट को ना होने के ना होने देने के लिए आपका जो करंट सेंसर और वोल्टेज सेंसर है वो सतत इस प्रयास में रहता है कि देखे कि ऐसे कोई कंडीशंस आपके एसी के साथ ना हो नहीं तो आपके एसी के विभिन्न अंग खराब हो जाएंगे तो ये एयर कंडीशनर के बारे में है ये भी एक पीस ऑफ इंटेलिजेंट इलेक्ट्रॉनिक्स है अब मैं आपको कूलर का उदाहरण दू तो कूलर एक बहुत ही सिंपल पीस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है जहाँ पे आपने अपना प्लग लगाया आपका जो पानी है जिसको आपने एक वाटर टैंक में डाला है आपका एक पंप है जो इस पानी को ऊपर ले जाता है और एक कूलिंग पैड पर इस पानी को छोड़ता है और एक फैन जो चलता रहता है उससे आपको ठंडी हवा मिलती है ए uh, में uh, जो उदाहरण में आपको ए का दे रहा था उसमें बिजली आपका इनपुट है और ठंडी हवा आपका आउटपुट है माइक्रोवेव में इलेक्ट्रिस इलेक्ट्रिक पावर यानी कि वोल्टेज आपका इनपुट है और गर्मी यानी गर्म खाना आपका आउटपुट है फ्रिज uh, में भी uh, तो मैं बता ही चुका हूँ कि आप इलेक्ट्रिसिटी इनपुट देते हो और ठंडा खाना मिलता है आपको बाहर यानी कि ठंडक मिलती है वैसा ही एग्जाम्पल ये कूलर का भी है और एक और एक उदाहरण इलेक्ट्रिक हीटर का है जहाँ पे वापस बहुत ज्यादा समय ना बिताते हुए सिर्फ मैं आपको इतना बताऊंगा कि आपका जो थर्मोस्टेट है थर्मोस्टाइट बेसिकली आपका एक इलेक्ट्रिक स्विच है और ये स्विच ये तय करता है कि जिस तापमान तक आप अपने हीटर को गर्म करना चाहते हैं आप अपने कमरे को गर्म करना चाहते हैं आप उस तापमान तक पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं तो ये जो थर्मल सेंसर है ये थर्मल सेंसर ये इस कंटिन्यूसली ये चेक करता रहता है कि आपका जो कमरे का तापमान है वो उस डिजायर्ड टेम्परेचर तक पहुंचा है या नहीं जिस तापमान तक आप अपने कमरे को गर्म करना चाहते हैं तो जो ही वो पहुंच जाता है वैसे ही आपका थर्मोस्टाट आपके इलेक्ट्रिक हीटर को बंद कर देता है नहीं तो आपका इलेक्ट्रिक हीटर जल जाएगा आ, मैं नाइट लैंप के बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा केवल ये कि आपका जो नाइट लैम्प है वो आ, आप इस्तेमाल करते हो ताकि आ, आप आ, एक आ, कमरे का एक छोटा हिस्सा उसको प्रकाशमय कर पाएं आ, उसमें आप एक आ, स्विच का इस्तेमाल करते हो और जैसे ही आपने वो स्विच ऑन किया आपका लैंप जल उठता है तो यहाँ पे भी कुछ ट्रांजिस्टर्स हैं आ, और वो ट्रांजिस्टर्स आ, जब ऑन हो जाती हैं तो आपका वो आ, नाइट लैम्प प्रकाशित हो प्रकाशित हो जाता है मैं थोड़ा सा समय एक बहुत ही पुराने टेलीविजन पे बिताना चाहूंगा ये पुराना टेलीविजन पुराना हो या नया हो जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो एक ही है यहाँ पे इनपुट क्या है आपका तो मैं बार बार आपसे ये बात पूछ रहा हूँ कि आपका इनपुट क्या है और आपका आउटपुट क्या है तो आपका इनपुट आपके टीवी के टीवी के, के केस में वापस इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई है लेकिन आपको मिल क्या रहा है आपका टीवी आपको ध्वनि दे रहा है आवाज और पिक्चर दे रहा है तो जो ध्वनि है वो आपको स्पीकर से मिल रही है यानी कि आपको कुछ ऑडियो एम्पलीफायर्स की जरूरत है और आपको जो वीडियो मिल रहा है वो आपको आपकी सीआरटी की स्क्रीन पर मिल रहा है आज की डेट में सीआरटी स्क्रीन इस्तेमाल नहीं किए जा रहे हैं ये पुराना टी है लेकिन जो बेसिक प्रिंसिपल है जो मूल सिद्धांत है वो वही है यहाँ पे भी आपका जो पावर सप्लाई है इसके इस, इसको ऑडियो और वीडियो दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है ऑडियो से आपको आवाज मिलती है और वीडियो आप स्क्रीन पे देखते हो एक और उदाहरण तो ये हाँ ये है उदाहरण एक कंप्यूटर का अब कंप्यूटर के मामले में आज की डेट में सारे लोगों ने कंप्यूटर का या तो नाम सुना है या इस्तेमाल किया है या अगर नहीं किया है तो करने वाले हैं इस कंप्यूटर में जो इनपुट यूनिट है यानी कि आप इनपुट कहाँ से देते हो अपने कंप्यूटर को की कीबोर्ड से या माउस से देते हो और एक स्क्रीन होता है जो आपका आउटपुट यूनिट है यानी कि आपका जो कंप्यूटर का स्क्रीन या फिर कोई प्रिंटर या प्लॉटर कोई ऐसा उपकरण जिससे आप आउटपुट देख सकते हो कुछ देख सकते हो कि क्या आपके कंप्यूटर ने किया है लेकिन कंप्यूटर में जो कंप्यूटर का दिमाग है वो आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है सीपीयू सीपीयू आपके दिमाग की तरह है इसमें एक कैलकुलेशन का एक यूनिट होता है एएल यू हरिथमेटिकोलॉजिक यूनिट Uh, और अलग अलग ऑपरेशन को कंट्रोल करने का एक यूनिट uh, होता है टाइमिंग uh, को कंट्रोल करने का जो कंट्रोल यूनिट कहलाता है और uh, जैसे आपकी याददाश्त जैसे आपकी याददाश्त होती है वैसे ही आपका एक मेमोरी यूनिट होता है जो आपकी याददाश्त को कंट्रोल करता है वैसे ही वो कंप्यूटर की याददाश्त को कंट्रोल करता है शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्गर टर्म मेमोरी जस्ट एज एन एग्जांपल तो आपका जो कंप्यूटर है ये दिखाना आप के लिए इतना और यह दिखाना जरूरी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपके कंप्यूटर में बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक्स है जो इस्तेमाल में आता है लेकिन इस इलेक्ट्रॉनिक्स को कंट्रोल करने का तरीका यहाँ पे भी सॉफ्टवेयर के द्वारा ही है तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर्स आर बेसिकली पीसेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स जहाँ पे कि आपका इलेक्ट्रॉनिक्स किसी प्रोग्राम के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है तो यह भी एक पीस ऑफ इंटेलिजेंट इलेक्ट्रॉनिक्स है अब इंटेलिजेंट इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल मोबाइल फ़ोन है एक ज़माना था जब मोबाइल फ़ोन कुछ ऐसे दिखता था मोटरोला का जो फोन लेफ्ट साइड पे है अब उसका एवोल्यूशन उसका बदलाव होते होते आप देखिएगा आज का फोन जो एक स्मार्टफोन है तो ये स्मार्टफोन क्यों है ये स्मार्टफोन इसलिए है क्योंकि आपके फ़ोन में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स है आप जो देखते हो अपने फ़ोन के बारे में वो केवल उसका डिस्प्ले है लेकिन उसके डिस्प्ले के अलावा उसमें बहुत सारा ऐसा सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर है बहुत सारे एप्स हैं जो लोग लिख रहे हैं और उन एप्स के द्वारा वो इस इलेक्ट्रॉनिक्स को सुनियोजित तरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं तो ये जो कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है ये सॉफ्टवेयर के द्वारा किया जा रहा है लेकिन आप सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तो इसीलिए मैं आपसे बार बार ये बात कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस एक दूसरे के एक दूसरे के बिना वो अधूरे हैं इन दोनों को एक दूसरे की जरूरत है यहाँ पे जब आप मोबाइल फोन की बात करते हैं तो आप मोबाइल फोन का इस्तेमाल बातचीत के लिए करते हैं यानी कि ऑडियो या सिग्नल्स का इस्तेमाल करते हैं और ये जो ऑडियो सिग्नल्स का आप इस्तेमाल करते हैं वो यहाँ पे जो प्रोसेसर का इस्तेमाल होता है ये आ, बहुत ही हाई एंड प्रोसेसर है यानी कि इनके बहुत सारी केपेबिलिटीज होती हैं और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स होता है जो आप देखते हो वो कीपैड देखते हो और एलसीडी डिस्प्ले देखते हो अब माफ़ किए लगता है मेरा मेरा ये कंप्यूटर कुछ प्रॉब्लम दे रहा है एक मिनट आम. सॉरी मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप, आप देख सकते हैं मेरे कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम हुआ था तो ये आ, मैं मोबाइल फ़ोन को इसलिए दिखा रहा था आपको क्योंकि मोबाइल फ़ोन एक, एक माइक्रोप्रोसेसर का आपके रोजमर्रा की जिंदगी में आ, कितना व्यापक इस्तेमाल किया जा रहा है इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है अब मैं आपको कुछ ऐसा दिखाने वाला हूं जिसमें आपको ये समझ आएगा कि आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स का जो हमारे देश में प्रयोग किया जा रहा है ये कहाँ पे है और उसकी क्या सिचुएशन है तो इलेक्ट्रॉनिक्स का आयात हमारे देश में बहुत ज़्यादा हो रहा है और इस इलेक्ट्रॉनिक्स का आयात बेसिकली साल दर साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है तो आप देखिएगा कि आपके इलेक्ट्रॉनिक्स का आयात हर फाइनेंशियल ईयर में बढ़ता ही गया है और ये अब बात यहाँ तक पहुंची है कि आप अगर अपने हमारे देश में जो सोना और जो तेल के उत्पाद हैं और जो इलेक्ट्रॉनिक्स है इन सारी चीजों को अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि आपको पता चलेगा कि आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स का आयात है वो हर साल इन सारे और पदार्थों के मुकाबले में भी बढ़ता जा रहा है तो ये एक और चीज है जिसको मैं आपको बताना चाह रहा था एक मिनट ये हेलो सर सर आइए रहते या आई एम हियर सर उनका सिस्टम डोलेट हैंग हो गया सो ही रिस्टार्टिंग अगेन एंड ही विल जॉइन इन जस्ट 1 मिनट ओके 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 सॉरी uh, मैं मेरा कंप्यूटर हैंग हो गया था मैं uh, अभी uh, मैं अपना प्रेजेंटेशन वापस कंटिन्यू करूँगा वहीं से जहाँ से मैंने uh, जहाँ पर रुक गया था ए, ए, एक मिनट मैं बस अपना स्क्रीन uh, है उसको शेयर कर रहा हूँ But now you can continue. Uh, yes, yes, I, I, I am. I'm going to just just one minute. I'm sorry, it got my system got hung. Um, Uh, just one moment. आई होप यू कैन सी माई स्क्रीन आई होप कि आप मेरी आवाज़ भी सुन सकते हैं और मेरे स्क्रीन को भी देख सकते हैं uh, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मेरा कंप्यूटर अचानक से बंद पड़ गया uh, मैं इस मोबाइल फ़ोन के बारे में आपको बता रहा था मैं आपसे ये कह रहा था कि आप आम तौर पे अपने मोबाइल फ़ोन में uh, आप अपने मोबाइल फ़ोन में ये uh, जो uh, डिस्प्ले है केवल उसी को देखते हैं लेकिन आपको जिस बात पे ध्यान देना चाहिए मोबाइल फोन में जो बहुत अहम चीज है वो एक प्रोसेसर है और उस प्रोसेसर की वजह से आपका जो मोबाइल फोन है ये आ, आ, इतना इंटेलिजेंट है और आप इसका इस्तेमाल कर पाते हैं आ, एक, एक मिनट हाँ तो आप इसका इस्तेमाल इसलिए कर पाते हैं क्योंकि आपका मोबाइल फ़ोन आपके मोबाइल फ़ोन में प्रोसेसर हैं जिसको आप इस्तेमाल करते हैं अपने सॉफ्टवेयर अपने हार्डवेयर का इस्तेमाल आप अपने सॉफ्टवेयर के माध्यम से करते हैं और इसीलिए आपका सॉफ्टवेयर इतना इंपॉर्टेंट है और आपका जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इन दोनों का समागम आपका मोबाइल फ़ोन है इससे अच्छा उदाहरण स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स का हो नहीं सकता मैंने आपको जो सारे वॉशिंग मशीन एसी और ये मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर का जो उदाहरण दिया इसमें सबसे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड जो है वो आपका मोबाइल फ़ोन है आज की डेट में इंडिया में अफसोस की बात यह है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसा है जो बाहर से हम आयात करते हैं बहुत कम इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसा है जो हम इंडिया में खुद तैयार करते हैं जिसकी वजह से हमारी निर्भरता बाकी देशों पे बहुत ज़्यादा है ये एक बहुत ही चिंता का विषय है और यही इस बार चार्ट में आप देख सकते हैं आ, साथ में इसके मैं आ, एक और चीज़ ये जोड़ना चाहूँगा कि भारत में अगर आप देखेंगे आज की डेट में जो प्रमुख तीन वस्तुएं कौन सी हैं जिसका आयात बहुत ज़्यादा होता है तो उसमें तेल जो मिडल ईस्ट से आता है गोल्ड और आ, आप देखिएगा कि हर साल हर फाइनेंशियल ईयर में इलेक्ट्रॉनिक्स का आयात बढ़ता ही गया है इसके चलते आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो आयात का जो बिल है वो बढ़ता जा रहा है इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत महत्वपूर्ण है कि इलेक्ट्रॉनिक्स का और इलेक्ट्रॉनिक्स के उपकरणों का की तैयारी इंडिया में की जाए अः इस और एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम ये रहा है कि मोबाइल फोन्स की तैयारी इंडिया में होने लगी है लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स की तैयारी जो जिसकी जरूरत हमें है जो टोटल डिमांड है और जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है इसमें अंतर बढ़ता जा रहा है डोमेस्टिक प्रोडक्शन उस तेज रफ्तार से बढ़ नहीं पा रहा लेकिन आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स की जो मांग और जरूरत है वो बढ़ती जा रही है इस वजह से दोनों का फर्क बढ़ता जा रहा है और ये फर्क आ, ये इस बात को दर्शाता है कि हम आ, इन इलेक्ट्रॉनिक्स के उपकरणों को बाहर के देशों से खरीद रहे हैं जहाँ और उन पर हमारी निर्भरता बढ़ रही है जिसकी वजह से हम लोग और देशों को पैसे दे रहे हैं इन इलेक्ट्रॉनिक्स की आ, हमारी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए आ, अब मैं आपको एक पॉजिटिव स्टोरी बताता हूँ पॉजिटिव स्टोरी ये है कि आप आजकल ये देख रहे हैं कि मोबाइल फोन्स की यूनिट्स हमारे देश में भी शुरू होने लगी हैं एप्पल ने कुछ हमारे देश में शुरू किया है और भी मोबाइल फोन कंपनीज हैं जो मोबाइल फोन्स के हैंडसेट्स तैयार करती हैं जो इंडिया में अपना प्रोडक्शन कर रही हैं इसका ये आप इस बार चार्ट में देख सकते हैं कि टोटल इलेक्ट्रॉनिक्स में मोबाइल फोन्स का योगदान जो हमारे देश में तैयार किया जा रहा है वो बढ़ता जा रहा है यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि मोबाइल फोन्स महंगी होती हैं और इससे हमारे देश को आमदनी मिल सकती है इसीलिए ये मोबाइल फोन्स का हमारे देश में बनना बहुत जरूरी है अब मैं आपको एक वीडियो प्ले करके सुनाने वाला हूँ ये सी बी एस की सौजन्य से है इस वीडियो में आपको इलेक्ट्रिक स्विच के बारे में बताया जाएगा प्लीज सुनिए जब बहुत गर्मी लग और आपको ठंडी हवा की आवश्यकता हो तो सबसे पहले आप पंखा चलाते हैं या आप ठंडे मौसम से बचने के लिए गर्म कॉफी पीना पसंद करते हैं आप कॉफी की मशीन को चालू करने के लिए बटन दबाते हैं आपको पंखा चलाने या कॉफी की मशीन को गर्म करने के लिए बिजली का स्विच क्यों दबाना पड़ता है आइए इस पाठ में हम इन सभी चीजों के बारे में जानें उद्देश्य इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे किसी परिपथ में इलेक्ट्रॉन के बहाव का वर्णन करना एक वास्तविक विद्युत परिपथ बनाना विद्युत परिपथ का आरेख बनाना किसी विद्युत परिपथ का वर्णन करना विद्युत परिपथ एक विद्युत सेल या सूखा सेल बल्ब के प्रकाश का स्रोत होता है आइए जाने कि टॉर्च का बल्ब कैसे प्रकाशित होता है पहला चरण टॉर्च से बल्ब निकालें। आप देख सकते हैं कि बल्ब पतले शीशे का छोटा गोला होता है जिसके भीतर दो मोटे तारों से फिलामेंट जुड़ा हुआ होता है इनमें से एक मोटा तार बल्ब के आधार की धातु के कवच से जुड़ा होता है दूसरा तार बल्ब के आधार की धातु के शीश से जुड़ा होता है आधार में स्थित धातु का कवच और धातु का बल्ब के दो टर्मिनल होते हैं। विद्युत परिपथ दूसरा चरण दो आधे मीटर लंबे आवरण युक्त तार लीजिए चाकू की सहायता से दोनों तारों के सिरों से प्लास्टिक का खोल हटाइए बल्ब को बल्ब होल्डर में लगाइए अब ये दो पेज बल्ब के दो टर्मिनल हो गए आवरण युक्त तार को चित्र में दिए गए प्रकार से होल्डर के दो टर्मिनलों से जोड़ दें। विद्युत परिपथ तीसरा चरण आखिरकार स्वतंत्र तार के एक सिरे को सेल के धनात्मक टर्मिनल से जोड़िए और दूसरे सिरे को सेल के ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़िए इसे रबर बैंड या चिपकाने वाले टेप की सहायता से भी जोड़ा जा सकता है जोड़ने के बाद आप देख सकते हैं कि बल्ब प्रकाशित हो चुका है। बंद एवं खुला हुआ परिपथ यदि आप देखेंगे तो दोनों तार दोनों टर्मिनल से जुड़े हुए हैं यह एक अखंडित परिपथ है यानी एक बंद परिपथ है सेल के एक छोर से तार को हटा दीजिए अब आप इस पथ को टूटा हुआ पाएंगे अब बल्ब भी प्रकाशित नहीं हो रहा है क्योंकि इस परिपथ से विद्युत प्रवाहित नहीं हो रही है एक टूटे हुए पथ को खुला परिपथ कहते हैं विद्युत परिपथ जब हम किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे फ्लोरोसेंट ट्यूब पंखा या वातानुकूलक इत्यादि का प्रयोग करना चाहें या ना करना चाहें तो उसके अनुसार हम स्विच को ऑन या ऑफ कर देते हैं किसी बल्ब के स्विच का परिपथ पूरा करने के लिए उसे नीचे की ओर दबाया जाता है जिससे बल्ब प्रकाशित हो उठता है बल्ब को बंद करने के लिए हम स्विच को ऊपर की ओर दबा देते हैं यह परिपथ को खंडित कर देता है यानी तोड़ देता है जिससे वह प्रकाशित नहीं हो पाता स्विच इस प्रकार बनाए जाते हैं कि सामान्य परिस्थिति में परिपथ खुला रहे परिपथ से विद्युत प्रवाहित नहीं होती जब हम स्विच का दूसरा सिरा दबाते हैं तो यह परिपथ को बंद करने के लिए जुड़ जाता है परिपथ से विद्युत प्रवाहित होने लगती है और बल्ब जलने लगता है या आप यह भी कह सकते हैं स्विच किस किसी परिपथ को खोलने या बंद करने का यंत्र होता है। है, सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है, उसे संक्षेप में दोहराएं। एक इलेक्ट्रिक बल्ब से जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो यह प्रकाशित हो जाता है एक बंद परिपथ स्वयं से विद्युत को प्रवाहित होने देता है खुला परिपथ एक खंडित या टूटा हुआ परिपथ होता है जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती स्विच एक यंत्र है जिससे परिपथ को खोला या बंद किया जाता है। एक छोटा सा प्रेजेंटेशन था स्विच uh, के बारे में uh, तो मेरा मुख्य उद्देश्य यह था कि आपको स्विच uh, के बारे में वापस मैं uh, समझाऊं या बताऊं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज्यादा इस्तेमाल में आता है तो ये जो हमारा आज का प्रेजेंटेशन था इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बताया जाए इससे पहले मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में और उसके स्रोतों के बारे में बताया उसका संचालन कैसे किया जाता है उसका कहाँ दैनिक जीवन में कहाँ इस्तेमाल किया जाता है मोबाइल फोन से लेकर अलार्म क्लॉक तक सारे मैंने आपको अलग अलग उपकरण बताए हैं मुझे खेद है कि थोड़ा सा एक इंटरप्शन आया था मेरे कंप्यूटर के हैंग होने की वजह से लेकिन फिर मैंने आपको ये बताया कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की ओर क्यों ध्यान देना चाहिए क्योंकि हमारे देश के परिपेक्ष में इलेक्ट्रॉनिक्स की इतनी ज़्यादा अहमियत इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स की मांग बहुत ज़्यादा है तो इस इलेक्ट्रॉनिक्स का अगर हम हमारे देश में ही इसका उत्पादन करते हैं तो इससे हम लोगों के देश में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और इसलिए आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में सोचना चाहिए ये मेरा उद्देश्य था आपको ये बताने का और फिर मैंने आपको एक YouTube वीडियो दिखाया है कि ये स्विच कैसे काम करता है इसी के साथ मैं आप सबको धन्यवाद कहना चाहूँगा थैंक यू वेरी वेरी मच और अगर आपको कोई सवाल पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं थैंक यू डॉक्टर आदित्य बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन रहा आपका बीच में थोड़े टेक्निकल ग्लिचेस हुए थोड़ा सा प्रॉब्लम रही हमने लेट भी शुरू किया आज सेशन बट uh, आई थिंक ओवरऑल uh, काफ़ी लोगों ने अटेंड किया uh, मेरे ख्याल में 600 से भी ज़्यादा लोग लाइव थे और uh, अभी भी कुछ लोग देख रहे हैं तो बाक़ी जो भी हमारे दर्शक हैं वो इसके बाद यूट्यूब का एक्सेस है हमने वो पब्लिक किए हुए हैं सारे लेक्चर्स तो वो उसको देख पाते हैं तो मैं सेंटर फॉर साइंस एंड सोसाइटी आई सर भोपाल की तरफ से सभी ऑडियंसेस का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं आज के इंस्ट्रक्टर डॉक्टर आदित्य सैंकर मद्यूरी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और अरुण जो कि हमारे साथ जुड़ पाए इसको पूरा संचालित करने के लिए ही वॉज ट्रेवलिंग ऑल्दो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू एवरी वन फॉर ज्वाइनिंग इन नेक्स्ट सैटरडे फिर uh, चार से पांच बजे एक नए लेक्चर के साथ हम फिर मिलेंगे और मुझे उम्मीद है तब तक आप हमारे जो पिछले लेक्चर्स हैं अगर आपके छूटे हुए हैं तो उनको आप यूट्यूब पे एक्सेस कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं वो फ्रीली अवेलेबल है सभी के लिए तो थैंक यू वेरी मच